पतंजलि योग पीठ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का 28वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। योगासन के बाद हवन यज्ञ आयोजित किया गया। स्वस्थ शरीर के लिए योग और आयुर्वेद पर जोर दिया गया। गुरुवार को नरेंद्र पैलेस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने किया। उन्होंने कहा कि योग, ध्यान और आयुर्वेद को लेकर लंबे समय से पतंजलि प्रयास कर रहा है। योग से तन मन सुंदर और स्वस्थ रहता है। लोगों को जीवन सफल बनाने के लिए नियमित योग करना चाहिए। आज 28वां पतंजलि स्थापना दिवस का एक यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें संपूर्ण जिले के योग से जुड़े हुए प्रभारीगण, कार्यकर्तागण और जिले के अधिकारीगण आकर इस भव्य कार्यक्रम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज के दिन 5 जनवरी 1995 को हरिद्वार गंगा तीरे कनखल से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि सद्य आचार्य जी महाराज ने योग को विस्तार से घर घर, गली गली, नगर नगर, डगर डगर तक, गांव और शहर तक, पूरे भारत, पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहां पर 5 जनवरी को स्थापना दिवस 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर भी रोज़ सुबह योग अभ्यास चलता है नरेंद्र पैलेस परिसर में। मैं समस्त बागेश्वर के जन मानुष से निवेदन करूँगा कि आप भी सुबह 6 से 7 घंटा यहाँ पर आके योग का लाभ उठाएं। अगर हम योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि महाराज श्री ने भी योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी को एक मूर्त रूप देकर जनमानुष को एक स्वास्थ्य दिया, समृद्धि दिया, सुख दिया, शांति दी। चारों तरफ से योग होगा तो शारीरिक विकास होगा, योग होगा तो शरीर की एक पॉजिटिविटी होगी, योग होगा तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारे कैफीन की मात्रा, नशे की मात्रा दूर जाएगी, हमारे अंदर एक उत्साह मिलेगा, एक गौरव का भाव मिलेगा। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, करें योग, रहे निरोग। आज स्थापना दिवस के लक्ष्य में मैं सबको, सभी जनमानस को, सब पूरे भारत और पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा कि लोगों की रुचि होती तरह बढ़ रही है, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जिससे हमें स्वस्थ जीवन मिलता है, जिससे हमारा ना केवल फिजिकल शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है और हमारे जो जितने भी विकार हैं, हमारे इस प्रवृत्ति हमारी स्मार्टी बढ़ती जा रही है, वो सब इसी से मिल रहा है। तो जो यहाँ पर पतंजलि का जो स्थापना दिवस मनाया गया है, यहाँ पर जो ये वर्क कर रहे हैं वो काफ़ी सारा है, जिनको मुझे पता चला है कि 6 महीने से भी लगातार निःशुल्क व्यवसाय सुबह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी उसको और भी आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, 1 घंटे से चाहे तो 2 घंटे कर लें, अगर लोगों की रुचि है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ रहा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम भी इसको मोबिलाइज करें और लोगों को जागरूक करें।